फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही आज मुझे रोना आ गया, क्योंकि जो मैंने दूध पत्ती डालकर बनाया था, एक गिलास ऐसे ही इसमें बेड पे गिर गया। ट्रे रखी थी, बस ऐसे खींचने लगी, ऐसे करके यूं करके और ऐसे ही वो ये गिर गया। ना उसे उठाया जा रहा, ना कुछ नहीं। अब बिस्तरे भी सूखने डालने पड़ेंगे। ना ये ऐसा गिरा कि ना बेडशीट तो चलो धुल धुल जाएगी, पर गद्दे नहीं धुलते, बड़ा नुकसान हो जाता है। बड़ा दुख होता है मुझे जब ऐसी गलती हो जाती है। और गद्दे बाहर डालकर फिर मैं झाड़ू लगी थी लगाने, और झाड़ू लगाकर फटाफट से मैंने नाश्ता तैयार किया था, और फिर मैं तैयार हुई, और फिर मैं शिमला जाना था। मुझे अपनी आंखें चेक करवानी थी, और कुछ मेरे टेस्ट भी लिखे हुए थे, क्योंकि शिमला में ऐसा होता है कि एक दिन में ही सारे टेस्ट नहीं होते, वहाँ पे डेट दी जाती है कोई भी टेस्ट करवाना हो अगर तो। फिर मैं वो मुझे वहाँ भी जाना था, मुझे बहुत लेट हो गई थी पहले ही। और राजीव को मैं सिर्फ अपने साथ बस स्टैंड तक लेके गई थी, क्योंकि उसने वहाँ ट्यूशन भी जाना था। और अभी मैं देखो झाड़ू लगा रही थी बाहर, और यहाँ पर बारीक बारीक से ऐसी ही डस्ट जैसी थी, मैंने ऐसी बाहर को फेंक दी थी, क्योंकि नीचे तो ऐसी भी रास्ता जैसा है। बहुत मोटा कूड़ा नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई थैलियाँ ऐसी है जिससे डस्ट वगैरह बाहर को निकल जाती है, तो ऐसे ही फेंक दिया था मैंने। और फिर मैंने गद्दे बाहर डाले सूखने के लिए, और ये नकली नोट रखे हुए राजीव ने, ये भी कैमरे में शूट हो गए। और फटाफट से मैं तैयार होके फिर मैं शिमला के लिए गई थी। अब राजीव मुझे बस स्टैंड छोड़ने जा रहा है, साथ में ट्यूशन भी, क्योंकि वहाँ उसके ट्यूशन भी जाना होता है, उसके मैट्रिक का यानी कि टेंथ का एग्जाम आ रहे हैं, तो मैं उसको लेके नहीं गई थी, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आज बताएंगे तो बार बार नहीं बताते, तो मैं अभी बस स्टैंड पहुँच गई थी। सोलन बस स्टैंड, और ये मैं बस से थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, वह पर बस से नहीं बनती इतनी ज़्यादा, यहाँ मैं काफ़ी आगे चली गई थी थोड़ा कंडा घाट से पीछे, और मैं कोशिश कर रही थी वीडियो बनाने की, पर नहीं बन रही थी। और ये अब मैं चली गई शिमला में लक्कड़ बाजार से भी आगे, यहाँ से थोड़ा यहीं तक बस गई थी, उससे आगे मैं पैदल गई। ये हमारा IGMC दिख रहा था ऊपर, और यहाँ पे ये पुल है, पुल से पार कर रही थी मैं। फर्स्ट बार मैं यहाँ से पैदल होके गई थी।
ये ढड़ी लिखी हुई है, ये मसोबरा लिखा हुआ, मतलब ये बोर्ड की वो, और पाली साइड को इतनी डरावनी पहाड़ी थी बहुत ज़्यादा। और आपने पहुंच गई हॉस्पिटल, जिस जिन डॉक्टर से मुझे मिलना था मुनी के पास जा रही थी, वो तीसरे या फोर्थ मंजिल में थे ऊपर वो डॉक्टर। बहुत परेशानी होती, लोगों का दुख नहीं देखा जाता यहाँ पे, बहुत दुखी पेशेंट आते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा हिमाचल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है IGMC सनोडन। और फिर मैंने यहाँ पर डॉक्टर से अपने आँख का नंबर ले लिया था, फिर मैं अपना चश्मा बनाने के लिए गई थी मनचंदा क्लिनिक में, वहाँ मैंने चेक करवा के अपने। और वापसी भी फिर मैं इधर से आई दूसरे रास्ते से, फिर थोड़ा सा आपको शिमला का मेरिज मैदान है यहाँ बोलते हैं यहाँ को, यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ तो आप देखें। Thank you.